अपना ऐश अब पोकेमोन मास्टर बन चुका है और उसके दोस्त नोबिता और डोरीमोन उसकी भाई इसी खुशी में शामिल होने जा रहे हैं। डोरीमोन और नोबिता भाई बहुत खुश है क्योंकि भाई उसका जो दोस्त है वो आज भाई पोकेमोन मास्टर बन चुका है और ऐश का भी भाई सपना बिल्कुल पूरा हो चुका है, तो ये दोनों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और भाई इसी खुशी में भाई इन दोनों मतलब एनिमे का क्रॉस ओवर जो होने जा रहा है, बट ये क्रॉस ओवर फैन मेड होने वाला है। तो यार तुम लोगों को मैं बिल्कुल फैन मेड स्टोरी सुनाने वाला हूँ, तो इस स्टोरी को बिल्कुल ही ध्यान से सुनना। तो यार नोबिता और डोरीमोन भाई सोचते हैं कि भाई उन्हें उसे ऐश के लिए कुछ करना है, बट भाई उसके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए क्योंकि भाई वो पोकेमोन मास्टर बना है। तो भाई ऐश के लिए कुछ वो क्या कर सकते हैं, और भाई इसीलिए वो प्लानिंग करते हैं। और इस प्लानिंग के लिए भाई वो शिजुका के साथ भी बात करते हैं कि भाई ऐश को क्या देना चाहिए गिफ्ट में। और भाई मेरे ख्याल से और भाई नोबिता और डोरीमोन बहुत सोचते हैं और भाई उनके हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ है मास्टर बॉल, जो कि भाई मतलब कि अपने ऐश कैचम को देना सही रहेगा। तो वो यही सोचते हैं और डोरीमोन भाई 22nd century में जाता है अपनी मतलब फ्यूचर में और वहाँ से भाई टेक्नोलॉजी लेकर आता है मास्टर बॉल की। और भाई ये मास्टर बॉल उससे भाई 100x बेटर होने वाली है और भाई ये भी मतलब मास्टर बॉल इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आर्कियस को भी पकड़ सकती है। और ये भाई सबसे बढ़िया गिफ्ट रहेगा एक पोकेमोन मास्टर के लिए। और भाई नोबिता और ऐश जाते हैं ऐश से मिलने के लिए और ऐश उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और भाई ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, भाई ऐश उनके गिफ्ट को ले लेता है और भाई उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं। और भाई इस एपिसोड में बस इतना ही था। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट बताना, और अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो यार। वीडियो को यार तुम लोग लाइक नहीं करते और भाई मेरी रीच काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है, तो यार प्लीज़ यार वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो। और भाई कमेंट करके बताया करो भाई कौन सी टॉपिक पर तुम्हें वीडियो चाहिए, और शेयर तो अपने फ्रेंड के साथ कर ही दिया करो। तो मिलते हैं ऐसी कमल की वीडियो में, तो बाय बाय फ्रेंड्स।